आई थिंक मेरे जैसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को यहाँ पे आने के लिए बुलाना और अवार्ड के लिए बोलना हमारे सब इंडिपेंडेंट जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और आई अप्रिशिएट कि आप लोगों ने दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ने आज मेरे को एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड एज अ बॉलीवुड सिंगर यहाँ पे बुलाया। और ऐसे अवार्ड्स इन अवार्ड्स के साथ आर्टिस्ट को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। इन अवार्ड्स के साथ आर्टिस्ट को और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है और अपने देश को कैसे रिप्रेजेंट करना है और अच्छे तरीके से वो सीखने को मिलता है। और बहुत बड़ी बात है यार मेरे लिए तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। आई थिंक अवार्ड्स जीतने से ज़्यादा अच्छा है अच्छा गाना देने के लिए और ऑडियंस उस गाने को प्यार करे वो रोज़ का अवार्ड है एज एन आर्टिस्ट अगर आप मुझसे पूछते हो तो। हाँ बट ऐसे अवार्ड्स जिससे आपकी फैमिली आपका गांव आप जहाँ से आए हो वो खुश होते हैं ये भी ज़रूरी है। और मैं बहुत ही लकी अपने आप को समझता हूँ कि हिंदुस्तान की ऑडियंस मेरे गानों को सुन रही है अपना टाइम दे रही है और मेरे जैसे बहुत सारे आर्टिस्टों को सपोर्ट कर रही है क्योंकि हमारा जो कुछ भी है वो ऑडियंस के साथ ही जुड़ा हुआ है। और आई थैंक एवरीबडी इतना प्यार करने के लिए गानों को। मैंने अभी बताया कि मैं 2012-13 से गा रहा हूँ 15-16 में मुझे रिकग्निशन मिली और आज 2019 में मुझे एक ऐसा अवार्ड मिल रहा है जिसको पाने के लिए आई थिंक एवरीबडी वर्क हार्ड एंड मैं और मेरे साथ साथ मेरा सारा गांव प्राउड फील कर रहा है। और आई विल मेक श्योर कि मैं उन सबको ऐसे प्राउड फील करवाता रहूँ एवरी डे बाय मेकिंग गुड म्यूज़िक बाय मेकिंग म्यूज़िक जो सब सुन सकें बच्चे भी सुने मेरे जैसे भी सुने और बूढ़े लोग भी सुन सके ताकि मैं किसी ना किसी तरीके हर एक जॉनरा को एंटरटेन कर सकूं। थोड़ा सा अलग सवाल जानना चाहूंगा हमारे देश के 40 जवान जो है शहीद हो गए क्या कहना चाहेंगे उस बारे में एज़ ए इंडियन आप क्या कहेंगे कितना गुस्सा आ रहा है क्या कहना चाहेंगे। मैं जब भी क्योंकि मैं बहुत ही छोटा हूँ ऐसी चीज़ के ऊपर कोई भी अपना एक आंसर देने के लिए बट हाँ हमारे जवान हमारे लिए वहाँ पे खड़े हैं। एंड जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो हमारे देशों में हमारे हमारे बॉर्डर पे शांति बनी रहे ताकि हमारे ही जो भाई वहाँ पे हमारे लिए खड़े हुए हैं वो हमेशा खुश रहें और अच्छे तरीके से अपने देश की सेवा कर सकें। और आई थिंक भगवान से ज़्यादा इस चीज़ को कोई भी ठीक नहीं कर सकता अगर भगवान आज चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। सो हमें सबको उस जिस भी भगवान को हम मानते हैं उनको प्रे करनी चाहिए कि जो हमें सेफ रख रहे हैं वो हमेशा सेफ है। उनके लिए गाना संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है के पूछे जाती है के घर कब आओगे लिखो कब आओगे के तुम बिन ये घर सूना सूना है। जय हिंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिसाफ पे मुझे यहाँ पर आना पड़ रहा है और इतने सारे एक्टर्स यहाँ पर है एंड सब हार्ड वर्किंग है सो आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड एंड एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। बिकॉज बहुत प्राउड फील होता है जब ऐसे अवार्ड्स में जाने का मौका मिलता है तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी। देखिए अब ये उनके पर्सनल इश्यूज़ हैं मैं कुछ ज़्यादा कुछ कमेंट कर नहीं सकती
अब एग्जैक्टली क्या हुआ होगा ये सपना ही जानती है अच्छे से, तो मैं और ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी इसके रिगार्डिंग। हाँ हाँ, मुझे ऑफकोर्स वो मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, तो मुझे काफ़ी उनके बारे में पता है, हम एक दूसरे से बातें चलती रहती हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से, तो बस मैं जो भी होगा वो खुद अच्छे से जानती है इन सब चीज़ों के बारे में। थैंक यू, थैंक यू। दादा साहब फाल्के अवार्ड, इट इज़ अ वेरी प्रेस्टीजियस अवार्ड इन द फिल्म इंडस्ट्री। रिसेंटली वी लॉन्च अ फिल्म दैट इज चाल जीवी ले इन गुजराती, विच इज़ द हाइएस्ट क्रॉसर फिल्म एज ऑफ नाउ इन गुजराती फिल्म, इज जस्ट इज टर्निंग फोर्थ वीक सक्सेसफुली एट द मोमेंट। थैंक यू, थैंक यू। हर एक एक्टर का ख्वाब होता है इस अवार्ड में आना, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बिकॉज मैनी ऑफ मैनी लेजेंड्स आर देयर, ऑल एक्टर्स आर देयर, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस अवार्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत एक्साइटेड है, आत्मा प्रसन्न है, बहुत खुश है कि वहाँ बिहार से आके और इतने बड़े मतलब प्लेटफॉर्म बिग बॉस तक पहुँचे और फिल्मों में गाए तो उसका भी परिणाम मिल रहा है, लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और इतना बड़ा मतलब ये जो इतना तामझाम कैमरा सब मेरे लिए है, हमको लोग सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इसके लिए सबको दिल से थैंक यू, और दादा साहब फिल्म फेस्टिवल इनको दिल से थैंक यू कि इन्होंने इस काबिल समझा कि हम को बेस्ट इंटरटेनर का अवार्ड दिए। देखिए, हमारे नाना जी कहते थे ना कि जब भगवान देखते हैं ना तो फिर वो एकदम फुर्सत से देखते हैं, तो बचपन से बहुत मेहनत किए, बहुत मतलब लगे रहते थे इसी फील्ड में कि किसी तरह यहाँ तक पहुँचे, शायद यहाँ तक पहुँचने का इतना जल्दी सपना भी नहीं देखे थे हम, लेकिन इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है वो। हाँ पूछिए जी जी, एल्बम जो आने वाला है ना वो अभी जस्ट शूट ख़त्म हुआ हमारा, और बहुत प्यारा गाना है, रीना मेहता जी हैं प्रोड्यूसर और अनूप जलोटा जी ने गाया है उस गाने को, तो रीना मेहता जी का गाना है, आवाज़ भी उसमें रीना मेहता जी का है। अभी भुज में हमारा शूटिंग ख़त्म हुआ, आज ही हम आए हैं वापस शूटिंग से, तो बहुत प्यारा गाना है, और अभी आगे जो एल्बम आने वाला है ना उसमें मेरा गाना होगा और उसमें हम और सोमी साथ में एक्ट करेंगे, लेकिन गाना मेरा होगा। धन्यवाद, धन्यवाद। जी मैंने दादा साहब फाल्के अवार्ड रखने के लिए एक बिल्कुल अलग सा शेल्फ बनाकर रखा है, इट इज़ दैट प्रेस्टीजियस। जब बड़े सारे लोगों को पता चला कि मैं नॉमिनेटेड हूँ और शायद आज ये अवार्ड पाने वाली हूँ, तो लोगों ने मुझे कहा कि स्टेज के चरण स्पर्श करके आना, तो ये बहुत ही उम्दा अवार्ड है। मुझे लाइफ में बड़े सारे अवार्ड्स मिले हैं, मगर मुझे लगता है ये अब तक का मेरे जीवन का सबसे सफल अवार्ड है। आई कैन नॉट बी थैंकफुल इनफ, वेरी हैप्पी टू डू। यू नो व्हाट इज इवन बेटर, आई एम गोइंग टू रीकन्फर्म दिस, मगर मुझे बताया गया है कि रेडियो के कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ आरजे या बेस्ट रेडियो पर्सनालिटी के हिसाब से ये पहली बार ये अवार्ड दिया जा रहा है। वी नो व्हाट दादा साहेब फाल्के अवार्ड स्टैंड्स फॉर, मगर ये पहली बार अवार्ड हो रहा है जिसमें मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। First of all, can I start? First of all, I am just honored to be here. बहुत सारे बचपन से हम ये नाम सुन रहे हैं, तो मैं बहुत excited हूँ, nervous हूँ। For India's fitness icon के लिए मुझे nominate किया, तो I think बहुत honor की बात है मेरे लिए। I'm just glad that I'm standing in front of you all with such a huge respected, जितने लोग इस अवार्ड से जुड़े हैं अब तक, जिन लोगों को मिला है, मेरे ख्याल से आई एम ह्यूज फैन ऑफ देम, आई एम नथिंग। थैंक
फिलहाल मैं आई एम वेरी हैप्पी जो मैं कर रहा हूँ. आई मीन इंस्टाग्राम यूट्यूब फैमिली आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. फिल्मों में मैंने ट्राई किया, मुझे कुछ काम नहीं मिला, सो मुझे लगा कि दाल रोटी चलाने के लिए कुछ और कर लेता हूँ. सो नाउ आई एम इनटू हेल्थ एंड फिटनेस एंड आई एम एंजॉयिंग द मोमेंट. जी हम सब बहुत शौक हैं इस चीज़ के लिए, बहुत उदास हैं. उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी सुखी है. हम लोग माँ बाप, हमारी फैमिली, हमारी सिस्टर्स, इस देश में हम जी रहे हैं. हम कहीं बाहर जाते हैं तो जो लाइन जिस लाइन में खड़े होते हैं वो हिंदुस्तानी इंडियन देयर पासपोर्ट देयर. सो आई होप ऐसा हमारे साथ, हम में से किसी के साथ, इस देश में ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ आइंदा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. बहुत खुशी का मौका है एंड आई थिंक इट्स येट अनदर ईयर वेयर द प्रेस्टीजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड इज़ गोइंग टू बी गिवन आउट. फर्स्टली आई वांट टू कंग्रेचुलेट DIPEEF फॉर देयर कंटिन्यूस एंडेवर इन एंड बीइंग सो सक्सेसफुल इन गेटिंग द पीपल टू बी अवार्डेड फॉर देयर वर्क. एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी टेक्नीशियन, एवरी एक्टर, एवरी मेम्बर ऑफ द फिल्म फ्रिटर्निटी to be accoladed with such a prestigious award. Bahut matter karta hai aur mere khayal se one of the most prestigious awards and a very serious award at that, for that matter of fact, which is something that if you get it in your lifetime of work, you're blessed. Yes, I'm nominated. I am nominated and I'm very thankful to the fraternity for this nomination and for acknowledging my work. And I think whether you get the award or you don't get the award, the nomination itself is also a great and integral part of, you know, understanding that your work is taken seriously and your work is appreciated. Thank you so much. दादा साहब फाल इतने सारे अच्छे सामने होपलेस मत करो. दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में यही कहना चाहूँगा कि इनको फादर ऑफ सिनेमा बोला जाता है और आज इन्हीं के अवार्ड मिल रहा है इन्हीं से, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. और जैसा कि आपको पता ही है, इनको तो बोला ही जाता है कि सिनेमा जो है इन्हीं का राजा हरिश्चंद्र, इनकी पहली वो थी फिल्म. तो बस इतना ही बोलूँगा. थैंक यू सो मच. गुड इनफ. I think the same things literally what everybody says. I want to thank God, I want to thank all the people that confided in me. I want to thank everybody who is present tonight, first of all, to be a part of this memory that I'm going to make tonight. And I am very ecstatic about receiving the award. I'm at least hoping I get it. And I think all I'd like to say is that thank you so much for having avenues like this where I can participate and enjoy myself. Thank you so much. I think every award is very overwhelming, but the thing about the name Dada Saheb Phalke is very special, and I really, really, really consider myself lucky and blessed to be here tonight. About Pulwama, I think, yeah, it's a very sad incident that took place in Pulwama. I think I'm equally agitated and upset about the whole incident. And I think we are all mourning together, but I think we stand united every time something like this happens, and we are only going to try and be better. Of course, I cannot really comment on how we can give it back to those who are responsible, but I'm really sure that the authorities are looking into giving it back equally. Thank you so much. Have a great evening. Thanks. So I'm really looking forward to it. It's a very prestigious award, and
I think it's very important to have platforms like this jahan pe hum real talent ko promote karte hain, and I'm really really excited about it. It's already launched. So Love Organically is an organic skincare brand. So we've won a lot of awards across the country, and I'm very excited because it's pure natural and we help farmers through our initiative. So I'm very very excited about it. Thank you. I'm very shy as well. सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा नाम है, हमारे पितामह हैं इंडस्ट्री के, जिन्होंने इंडस्ट्री शुरू की थी, फिल्म इंडस्ट्री शुरू की थी, उनके नाम का अवार्ड मिलता है तो मैं समझ लीजिए कि अरमान खिल उठते हैं सुनील पाल के, अरमान खिल उठते हैं सुनील पाल के जब किसी को मिलते हैं अवार्ड दादा साहेब फाल्के। धोखेबाजों को मैं ढूंढ रहा हूँ, कोबरा वालों ऐसा जहर उगला है तुम लोगों ने। मैं समझता हूँ कि वो जब मुझसे मिलने आए थे तो मुझे अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे मेरे साथ में, मैंने उन पर भरोसा किया, तो मैं जो सुरीले लग रहे थे, मुझे सुरीले लग रहे थे वो टी सीरीज की तरह, मुझे सुरीले लग रहे थे वो टी सीरीज की तरह, पर मेरे साथ खेल गए क्रिकेट सीरीज की तरह। अब जिंदगी भर अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, इतनी गालियां दूंगा उनको मैं वेब सीरीज की तरह। थैंक यू, थैंक यू। उसके लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, और यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं खुश नसीब हूँ कि मैं इसका पार्ट बनी हूँ। थैंक यू सो मच। दादा साहब फाल्के एक बहुत ही ऑफकोर्स प्रेस्टीजियस अवार्ड है, वो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहलाते हैं। आई मीन इट्स अमेजिंग कि 1913 में उन्होंने पहले एक फुल फ्लेज्ड फिल्म बनाई, और आई फील वेरी ऑनर्ड कि मैं यहाँ पे आज हूँ आप सबके साथ, और कहीं ना कहीं एक छोटा सा हिस्सा हूँ इस इंडस्ट्री का, बहुत छोटा, और I just feel very honored to be here. Thank you. मुझे किसी कैटेगरी में नॉमिनेट नहीं किया है, unfortunately. I'm just here to attend the awards. Thank you. बहुत सबको सबको बहुत दुख लगा, सबको बहुत दर्द हुआ, और सबको बहुत बुरा लगा। मैं बस यही कहूँगी कि जो मेरा खुद का मेरा भाई, एक भाई आर्मी में है और एक भाई नेवी में है, और बहुत गर्व महसूस होता है जब वो वर्दी पहनते हैं और जो वो काम पे जाते हैं, और मुझे मालूम है क्या लगता है फैमिलीज़ को जब वो काम पे जाते हैं, और कई कई दिनों तक हम उनसे फ़ोन पे बात भी नहीं कर पाते, और ज़्यादा करके जब वो काम पर जाते हैं तो उनके पास रिटर्न टिकट तो छोड़िए, कभी कभी टिकट भी नहीं होता, जस्ट हैव टू गो एंड get their own ticket and run for their duty, and it's remarkable how dedicated they are towards their job. और मैं बस यही कहूँगी कि हमें सिर्फ कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे citizen बने जिनके लिए लड़ने के लिए उन्हें भी गर्व हो। Thank you. मैं nominated? Oh no, मेरे इतने अच्छे नसीब नहीं है यार, but of course I have come to attend this awards. आप लोगों से मिलने आई हूँ, and it's a very prestigious awards, that's why I'm here, and of course I'm excited to be here. Kisi ek film ka naam lena sahi nahi hoga, because bahut sari films thi, 3-4 thi, aur agar usme se kisi ek ka naam chhoot jaye that won't be good. So Bollywood is doing great, and bahut achhi pictures bana rahe hain hum. I am proud to be a part of Bollywood. That's what I would say. I can't express my feeling.
आई वुड जस्ट से उनकी फैमिलीज को थैंक यू सो मच. आप लोग वहाँ पर हो इसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं. मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं फील नहीं कर सकती हूँ. बहुत ट्रैजिक है एंड उसके बारे में बोलना भी कुछ सही नहीं होगा. बट हैट्स ऑफ टू द फैमिली जो अपने लोगों को भेजते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस. आप अपने लोगों को यहाँ पर भेजते हैं इसकी वजह से हम यहाँ पर सुरक्षित हैं.